सूरत नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर से हाईवे जाता था। उस हाईवे के साइड में ही एक पप्पू का ढाबा था। वो ढाबा हाईवे के साइड में होने के कारण उस ढाबे पर बहुत से लोग आया करते थे। उस ढाबे का मालिक था रमेश। रमेश खुद के हाथों से पकवान बनाकर लोगों को खिलाया करता था। उसके हाथों में बहुत ही स्वाद था, उसी वजह से उसके ढाबे पर बहुत लोग आया करते थे। रमेश के ढाबे की स्पेशलिटी थी कि उसके ढाबे में नॉनवेज ही बना करता था। एक दिन चार आदमी पप्पू के ढाबे पर आए। वो रमेश से, अरे रमेश भाई, जरा तुम्हारे हाथ की चिकन करी लेकर आना, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे फिश करी लेकर आओ, मुझे एक चिकन कोरमा लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। ऐसा कहकर रमेश प्लेट तैयार करने में लग जाता है और सभी प्लेट अच्छे से सर्व करके उन आदमियों को देता है। तभी पहला आदमी फिश करी खाकर देखता है और, अरे रमेश भाई, तुम्हारे हाथ का फिश और नॉनवेज का कोई भी पदार्थ खाओ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ हाँ, ये बात सच है, इसीलिए तो हम यही आते हैं। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा कहकर रमेश अपना काम करने चला जाता है। रमेश ढाबे में जो भी खाना बना था वो सब बेचा जाता था। उसके ढाबे की खासियत नॉनवेज खाना ही थी, इसीलिए जाने आने वाले लोग उसके ढाबे पर खाने के लिए रुका करते थे। एक दिन रमेश की बहन लता उसके गांव से वापस आ जाती है। उसके साथ उसका बेटा शुभम भी आया था। लता रमेश से मिलने पप्पू के ढाबे पर आती है। तभी लता रमेश से, रमेश भैया। रमेश ने उसकी ओर देखा तो रमेश, अरे लता, तुम यहाँ इतने दिनों बाद आई हो और घर पर नहीं आई, यहाँ ढाबे पर क्यों आई हो लता तुम? भैया, आपको तो पता है कि ये गुजर जाने के बाद मेरे घर के हालात कितने खराब हो गए। शुभम को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मेरा घर ठीक तरह से चलेगा। लता, तुम मेरे घर पे रहो ना, तुम्हें किसने नहीं बोला है? नहीं भैया, मैं अब खुद कमाना चाहती हूँ, जिससे शुभम को कोई कुछ ना कहे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही सही, मगर यहाँ इस ढाबे पर कोई काम नहीं है। मैं आपके ढाबे पर झाड़ू पोछा करूँगी, आपकी खाना बनाने में मदद करूँगी और बाकी के काम जो भी बच जाएंगे वो कर लूंगी। रमेश थोड़ा मन में सोचता है और लता से, ठीक है, तुम साफ सफाई और ढाबे का कुछ और काम भी कर लेना, इसकी वजह से मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे पाऊंगा। ठीक है भैया। लता वहाँ से शुभम को लेकर चली जाती है। अगले दिन शुभम के साथ लता ढाबे पर सुबह ही आ जाती है। वो ढाबे की झाड़ू मारकर साफ सफाई करती है और थोड़ी टेबल की भी साफ सफाई कर लेती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और लता को चपाती बनाने के लिए कहता है। लता तुरंत ही चपाती बनाने का आटा गूंथती है और अच्छी तरह से चपाती बनाती है। वो चपाती बना ही रही थी तभी वहाँ रंगा राघव आ जाते हैं। वो रमेश से, अरे ओ रमेश भाई, मुझे तुम्हारे हाथ की स्पेशल चिकन बिरयानी देना जरा, अभी लाता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? मुझे एक मटन कबाब देना। जी, अभी लाया। ऐसा कहकर रमेश ढाबे में जाकर उन्होंने दिए हुए डिश की ऑर्डर रेडी करता है और शुभम के हाथ में कुछ प्लेट भिजवाता है और बाकी के प्लेट्स खुद लेकर आता है। तभी रंगा बिरयानी खाकर रमेश से, रमेश भाई, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है, इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमेश उसकी बात पर हंसता है और अपना काम करने चला जाता है। लता शुभम के साथ ढाबे का सब काम खत्म करके शाम के समय उसके भाई से, भैया, मैं सोच रही हूँ कि मैं यही रह लूंगी, इससे मुझे रोज का आना जाना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। अगले दिन लता सुबह उठकर अपना काम करके ढाबे का काम कर रही थी। तभी एक मनोज नाम का आदमी ढाबे पर आकर, रमेश, रमेश कहाँ है? भैया अंदर है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। ऐसा कहकर लता रमेश को आवाज देती है। तभी रमेश बाहर आकर देखता है तो मनोज होता है। आओ ना मनोज, इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रमेश भाई, मैं 2 दिन तक चिकन और मटन का सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, शहर में किसी कारण कल से 2 दिन तक बंद है, इसलिए तुम मेरे भरोसे मत बैठना, यही बताने के लिए आया था मैं। मनोज, अब मैं 2 दिन तक लोगों को क्या दूंगा, मुझे तो मेरा ढाबा बंद ही रखना पड़ेगा। अरे रमेश भाई, तुम्हें पता हो इसलिए मैंने बताया, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। तभी रमेश के पास लता आकर पूछती है, भैया,
क्या हुआ? वो आदमी क्या कह रहा था? वो आदमी कह रहा था कि 2 दिन तक नॉनवेज नहीं मिलेगा। शहर में बंद होने के कारण मुझे चिकन मटन कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस ढाबे में चिकन मटन के सिवा कुछ बनता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं 2 दिन तक ढाबा बंद ही रखूं। इसमें तो बहुत नुकसान होगा भैया। हाँ, मगर इसमें हम कर क्या सकते हैं? भैया, मैं पनीर के पकवान बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ, तो हम 2 दिन तक पनीर के पकवान बनाकर बेचेंगे तो? लता, नॉनवेज खाने वाले लोग पनीर कहाँ खाएंगे? भैया, वैसे भी ढाबा 2 दिन तक बंद ही रहने वाला है, तो इससे अच्छा मैं पनीर के पकवान बनाकर बेचूं। ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो कल से 2 दिन तक तुम ही खाना पकाना, मैं बस यहाँ आऊंगा। ठीक है भैया। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। तभी दूसरे दिन सुबह लता उठकर पनीर के सारे पकवान बनाना शुरू कर देती है। पनीर बिरयानी, पनीर टिक्का, पनीर कीमा, पनीर करी, ऐसे बहुत सारे व्यंजन उसने बनाए थे। तभी थोड़ी ही देर में 2 आदमी ढाबे पर खाना खाने आए। तभी सुहास रमेश से, अरे रमेश भाई, मुझे एक प्लेट चिकन बिरयानी दो जरा। आज ढाबे पर कोई भी नॉनवेज नहीं बना है, पनीर बिरयानी है। आप चाहे तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकर आओ, मगर तुम्हारे हाथ के नॉनवेज का स्वाद बहुत अलग है भाई। सुहास भाई, मैं परसों तुम्हें नॉनवेज जरूर खिलाऊंगा, मगर ये 2 दिन तुम पनीर खा सकते हो। ठीक है, लेकर आओ, सबके लिए जो स्पेशल है वही लेकर आओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और पनीर के ढेर सारे पकवान लेकर आता है। एक आदमी पनीर की बिरयानी खाकर देखता है। रमेश, अरे पनीर बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ रमेश, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर सभी लोग पनीर के पकवान खाने लगे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पनीर के पकवान अच्छी तरह से बिके थे, ये देख रमेश और लता खुश थे। उसके अगले दिन रमेश अपने ढाबे पर नॉनवेज बना रहा था, तभी एक राजेश नाम का आदमी आता है। वो रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी चाहिए। अरे भाई, आज नॉनवेज बनाया है, आपको उसमें से क्या लाऊं? एक बार बोल दिया ना, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी ही चाहिए। ये सुन रमेश को गुस्सा आया और वो राजेश से, अरे उस दिन नॉनवेज नहीं था इसलिए पनीर बनाया था, यहाँ हर रोज पनीर नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें दूसरा खाना चाहिए तो बताओ। ऐसा कहते ही राजेश रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी ही खानी थी, मुझे अब तुम्हारा ढाबे का कुछ नहीं खाना, समझे? ऐसा कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। ये सब देख रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। रमेश के मन में लता के बनाए हुए पकवानों से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन लता रमेश से, भैया, शुभम को सुबह से खांसी और तेज बुखार है, मुझे इसे अस्पताल में लेकर जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे इसे अस्पताल लेकर जाने के लिए? तुम यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हो और यहाँ रहती हो, वो क्या मुफ्त में आता है क्या? भैया, मैंने आपसे 2 महीने में 1 रुपया भी नहीं मांगा और आप ऐसा कह रहे हो? यहाँ खाना, छत ऐसे ही नहीं मिलता, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं चुपचाप हूँ, नहीं तो धक्के मारकर इस ढाबे से बाहर निकाल दिया होता, समझी? भैया, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, मैंने तो सिर्फ आपसे कुछ पैसे मांगे हैं और आप मुझे इतना कह रहे हो? तुम अभी के अभी मेरे ढाबे से निकल जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर लता शुभम को लेकर वहाँ से चली जाती है। लता बहुत रोती है, मगर रमेश पे उसका कोई असर नहीं होता। लता गांव में चली जाती है। तभी एक संजय नाम का आदमी लता को ढूंढते हुए आता है। संजय लता से, जी आपका नाम लता भाभी है ना? आप राघव भैया की पत्नी हो ना? हाँ, मैं ही लता हूँ, मगर आपको मैंने पहचाना नहीं। मैं राघव भाई का मित्र हूँ, मैंने उनसे 50,000 रुपए उधार लिए थे, अब मेरे पास पैसे आए हैं तो सोचा आपको वापस कर दूं। मैंने आपको बहुत ढूंढा भाभी, मगर आपका कहीं पता ही नहीं था, अब आप मुझे दिखाई दी हो भाभी, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी भाई साहब। भाभी, आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बेझिझक कह सकती हो। जी भाई साहब। ऐसा कहकर संजय वहाँ से चला जाता है। तभी लता उन्हीं में से कुछ पैसे लेकर शुभम का इलाज करवाती है और संजय को रमेश ने उसके प्रति किया हुआ व्यवहार बताती है। तभी संजय की मदद से लता एक होटल खोलती है, वो रमेश के ढाबे के सामने ही होता है।
अब लता उसके होटल में पनीर के विविध पकवान बनाती है और बेचने के लिए रखती है। तभी बहुत से ग्राहक उसके होटल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी ये देख रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है। इस लता ने मेरे ढाबे के सामने ही होटल खोला और मेरे कस्टमर भी उसी के होटल में खाना खाने जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश गुस्से से घर चला जाता है। लता बहुत मेहनत करके अपना होटल अच्छी तरह से चलाती है और लता को उसमें कामयाबी मिल जाती है। लता के होटल की तरक्की देख बहुत से लोग उसके होटल में खाना खाने आया करते थे। उसने अपनी जैसी बेसहारा औरतों को भी मदद की। अब इस तरह से होटल चलाकर वो अपना गुजारा किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए।